तो पिछले दो तीन साल तीन चार साल पहले इस खेल को इतना नहीं खेला जाता है युवा लोग, तो आप लद्दाखी जवानों को युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं कि इस खेल को आगे ले जाने के लिए? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, मैं अपने तरफ से ये नहीं कह सकते कि आप लोग आइस हॉकी खेलिए, आइस हॉकी को प्रमोट करिए, इतना ज़रूरी नहीं है कि प्रमोट करना। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल के समय में ऐसा है कि जहाँ हर चीज़ में हम चैलेंजेस आ रहे हैं, तो स्पेशली मुझे लगता है कि हमारे युवाएं पिछले कुछ सालों में, मतलब हमारे युवाएं इंडिया रिप्रेजेंट कर चुका है इंटरनेशनल लेवल पे, उस स्तर पे उन्होंने खेल जीता है, तो भारत के लिए भी उन्होंने नाम कमाया है और अपने लिए भी और पूरे लद्दाख के लिए नाम कमाया है। तो ये खेल अगर अच्छा है तो लद्दाख से ही मुझे लगता है कि आएगा। फॉरेन कंट्रीज में बहुत खेला जाता है, हमने बहुत बार देखा, लेकिन ये लद्दाख में खेल के अब बहुत साल हुआ है और ख़ासकर झांसकर में पहली बार, पिछले साल जो शायद पहली बार तो नहीं होगा, दूसरा तीसरा ही होगा, लेकिन उस समय जो विंटर झांसकर फेस्टिवल था उसमें आइस हॉकी खेला गया था स्पेशली। तो आजकल के युवा जो है वो जैसे ये लद्दाख जैसे क्या बोलते हैं, जैसे ठंड इलाका में तो विंटर के या सर्दी के लिए सब फ्री होता है, लोग स्टूडेंट हो या जो भी हो, तो ये आइस हॉकी बहुत एक ऐसा खेल है जो विंटर में भी हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। मैं तो झांसकर में नहीं खेला, लेकिन यहाँ पिछले साल एक बार मैं शूज़ पहनने की कोशिश किया था, उस बार में
खड़ा हो नहीं पाया था, लेकिन आज फिर दूसरा बार पहन रहा हूँ के जो शूज है देखो, पर बैठने के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ अब थोड़ा जैसे खड़ा होने के लिए ऐसा ठीक जैसा लग रहा है। अभी तो प्रैक्टिस करना है, सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। खेल में नाम कमाना बहुत अच्छी बात है जी, और जो 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 लोग अभी तक के खेल में स्पेशली आइस हॉकी में उन्होंने नाम कमा चुका है, वो लोग मुझे लगता है कि हमारे लद्दाख के युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है जी। अगर अगर आज लद्दाख में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आइस हॉकी खेलना चाहता है, आइस हॉकी में अपना भविष्य बनाना चाहता है, तो मुझे लगता है कि इन्हीं लोगों की कृपा से है जिन्होंने अभी तक नेशनल लेवल और भारत जिले खेला है, स्टेट लेवल पर भी खेलते हैं, और मतलब हर चैलेंजेस में उनका एक पोजीशन लाना, अच्छे प्रदर्शन करना और लद्दाख के नाम रोशन करना, तो इन सारे लोगों के योगदान बहुत रहा है, तो मैं सोचना यही कहना चाहता हूँ जी। जी देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर हमारे जो लड़कियां भी खेल रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही अच्छी बात है, हमारे लद्दाख की लड़कियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई प्रतियोगिताएं जीत भी चुके हैं और उन्होंने बहुत सारे प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो यही लोग हैं जो हमारे युवाओं को स्पेशली महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें इंस्पिरेशन देते हैं, मोटिवेट करते हैं कि खेल में भी आइस हॉकी में भी हम लद्दाख वाले आगे बढ़ सकते हैं और अपने ज़िंदगी की खुशहाल से जी सकते हैं, लद्दाख के नाम रोशन कर सकते हैं और पूरे भारत को विश्व भर में नाम दिला सकते हैं ऐसा। Шингэний мөрөг яалаа та. Чарк. Чори дуу шламгүй. Лонзэр дуу. Яа та чис хулгаа тэри. Меги меги гоц юм яалаа. थप नन में जी दो मतलब थप वो मतलब थप से सुनन में नवाल जैसे बताना था थैंक यू से भी जाते मिनट नहीं था कुछ आने सो ना सो ना सो जी सो 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 ना सो चलो चलो दूसरे बाल दूसरे ताल लाशी सादे कुछ देंगे सो सो संयास की तरफ बता जी संयास की तरफ बता जी यूला किस्ती samstes ningu naimazo mera yang yang nai sambe hanango jukadariya nahi gaya raho me yu सुजियांग इ नसे गस के इन समत ना इ बंगदरिंग ता नाम छि संग मा टंग मुरक ने जप जप टंग आ टंग आ जेने नोक तने निजे तने कोन लक्स मुन जे तुक मुरिंग नाम स्टे तने यन न निजे थर्मो जान न जदम रे ना तने छु स्कूल रे नाम स्टे स्कर ना तने मा गेलस के छु तु केले तने निजे रा खम जान ना तक पुरा ज जते जुआ इन जु इन संग मा ला जुले छु छे